Morning, Mr. I think you have already studied about series combination of resistances. You found there R equal R1 plus R2 plus R3, where R1, R2 and R3 are three resistances combined in series with a V-volt battery or V-volt cell. I have told you that in this combination, current is same in every resistor. Number one, current is same in every resistor. Resistor resistance हमने आपको बताया था इसके पहले. हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे. हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, रजिस्टर लिखते हैं. जो लिखते हैं उसका नाम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था. नंबर टू, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो रहा है. आप देख रहे हो V डिवाइड हो रहा है V1, V2, V3 में. पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट Now, what is ratio of potential difference in the resistor? So, current same hai, I1 equal I2. By Ohm's law, V equal IR, I equal V by R. V1 by R1 equal V2 by R2. Or V1 by V2 equal R1 by R2. मतलब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. V is directly proportional to R मिल रहा है. कब मिल रहा है? जबकि I is constant. जबकि सभी कंडक्टर्स में करंट जो है वो सेम है. Now, V is proportional to R. ये मिल रहा है हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में. एक बार फिर आप देख ले यहां से. इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3. फिगर आपका यही बना हुआ था. सभी रजिस्टर में करंट सेम फ्लो कर रही है. करंट I फ्लो कर रही है सभी रजिस्टर में. अब लेकिन पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंस ऑफ एवरी रेजिस्टर अलग अलग आपको मिल रहा है. अगर करेंट सेम है तो I1 इक्वल I2. ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो V इक्वल IR, I इक्वल V बाई R मिलता है. I1 की जगह V1 बाई R1 और I2 V2 बाई R2 हो जाता है. V2 को इधर ले आए, R1 को इधर ले आए, तो V1 by V2 इक्वल R1 by R2 हो जाएगा. इससे हम कह सकते हैं V is directly proportional to R in series combination if I is constant. V is proportional to R मिलता है अगर I स्थिर है तो, I same है तो. मतलब रेजिस्टर ज्यादा होगा, ज्यादा ओम का होगा, उसके सिरों के बीच पोटेंशियल ज्यादा होगा. कम होगा, उसके सिरों के बीच पोटेंशियल कम होगा. अब बच्चों एक कॉम्बिनेशन और हम लोग देखें, जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, नंबर टू है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस
ये पैरेलल लाइंस है बच्चों, आप पैरेलल लाइंस ऐसे ही खींचते हो, सभी लाइन के पहले बिंदु को एक जगह मिला दिया जाए, पहले सिरे को, और दूसरे सिरे को एक जगह मिला दिया जाए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसी लाइन की जगह हम रेजिस्टेंस ले लें, ये हम रेजिस्टेंस लेने जा रहे हैं, तो ये दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये अगर R1 है, R2 है, R3 है, यहां से इसको किसी बैटरी से या किसी सेल से हम जोड़ दें, प्रत्येक रजिस्टर का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है, ये वी वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट I आपकी चलती है, जब इस जंक्शन पर आएगी बच्चों, तो आप जानते हो कि किसी भी तार से जिससे हम करंट ले रहे हैं, वहां से अगर हम तीन तार बांध दें तो तीनों तारों में करंट फ्लो करती है, लेकिन तीनों तारों में अलग अलग करंट फ्लो करेगी, इसमें I1 हो जाए, यहां I2 और इसमें I3 करंट हो, ये करंट यहां आकर के फिर आपकी I निकल जाएगी, I1, I2 एंड I3। बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट रिमेन ऑलवेज सेम, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द अप्लाइड बाय द बैटरी। इसमें आपका जो V होगा वो सब में समान होगा, इसीलिए दैट्स वाई हाउस होल्ड वायरिंग इज डन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज एवरी अप्लायंस गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। घरों में जो हम वायरिंग करते हो पैरेलल में होती है, ताकि सभी उपकरणों को समान पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो सके। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, लेकिन करंट आप देखिए बढ़ रही है। अब करंट बढ़ करके जाएगी कहां, ये जो करंट हम भेज रहे हैं यही करंट तीन भाग में बढ़ रही है, इट मीन्स दिस आई करंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। आपके पास 10 रुपए है, एक को 2 रुपए आपने दिया, एक को 3 रुपए दिया, एक को 5 रुपए दिया, तो सब मिलाकर के 10 रुपए हुआ, मीन्स I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो I इक्वल V बाई R, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बिटवीन लिम्स ऑफ एवरी रेजिस्टर, V बाई आर वन इक्वल V बाई आर टू इक्वल प्लस सॉरी V बाई आर इक्वल V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री डिवाइडिंग बाई V बोथ साइड वी गेट 1 upon R equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, where R is equivalent resistance. Equivalent resistance का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर ये तीनों रेजिस्टेंस हटा करके R ओम लगा दे तो उतना ही काम करेगा जितना कि तीनों मिलकर के कर रहा है, इसीलिए उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें हमने कहा क्या क्या है, देखो इसमें हमने कहा कि करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम बिटवीन इंस ऑफ एवरी रेजिस्टर, दूसरी चीज करेंट डिवाइड होती है, डिवाइड्स
पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो वी वन इक्वल वी टू हम लिख सकते हैं, वी इक्वल आई आर होता है, ये आई वन आर वन इक्वल आई टू आर टू, और आई वन बाई आई टू इक्वल बच्चों यहां आर टू बाई आर वन मिल रहा है। यहां से एक चीज मिल रही है आपको, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करेंट कम उसमें फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करेंट ज्यादा फ्लो करेगी। अब देखो यहां हमको मिल रहा है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कब, व्हेन वी इज कांस्टेंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस समान है सब केसों के बीच, मतलब वो स्थिर है, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और इसके बाद और जो चीजें हैं विल डिस्कस टुमारो और ए डे आफ्टर टुमारो, एंड विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।